आज हम करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने लेज़र और कोहरेंस लाइट की थी उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पहले न्यूमेरिकल रीड कर लो एक बार। तो इसमें हमने करना है, हमें थ्री लेवल लेज़र सिस्टम गिवन है। तो इसमें क्या है, E1 से जब हम E1 पे रेडिएशंस फॉल करवाएंगे तो एटम्स हमारे जंप कर जाएंगे हायर एनर्जी स्टेट में। तो जो रेडिएशंस हम फॉल करवा रहे हैं उसकी वेवलेंथ गिवन है 0.4 माइक्रोमीटर। और जब E2 से E1 तक रेडिएशंस आएंगी, जब E2 से E1 तक एटम जंप करेंगे तो जो रेडिएशंस आएंगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 0.7 माइक्रोमीटर। अब हमें फर्स्ट ए पार्ट में फाइंड करना है कि जो ए लेवल 2 है, ठीक है, जिसमें N2 एटम्स है, उसके लिए रेट इक्वेशन फाइंड करनी है। तो रेट इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, dN2/dt। अब रेट इक्वेशन डिपेंड करेगी कि यहाँ से यहाँ कितने एटम्स आ रहे हैं और यहाँ से फिर यहाँ कितने एटम्स आ रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ कितने एटम्स आ रहे हैं, N3, और साथ में क्या आ जाएगा, 3-2, क्योंकि ट्रांजिशन 3 से 2 तक हो रही है। अब हमें पता है कि 3-2 को हम लिख सकते हैं 1/tau 3-2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको tau 3-2 माइनस, ठीक है। ये तो एटम यहाँ से यहाँ आ रहे थे, अब माइनस हो जाएगा यहाँ से यहाँ कितने आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ कितने आएंगे, मेरे पास N2/tau यहाँ पे हो जाएगा 2-1, ठीक है। अब हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि जब भी मेरे पास यहाँ से 3 लेवल से 2 लेवल तक आने के लिए टाइम लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, और क्वेश्चन में भी गिवन है कि जो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो रही है, तो हमें यहाँ से यहाँ जब भी ट्रांजिशन होगी हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें लगेगा कि यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इस फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, R, क्योंकि अब ये वाला फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि अब हमें जो इस लेवल की अगर हमने रेट इक्वेशन देखनी है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमने पंपिंग कितनी दी है, ठीक है, क्योंकि पंपिंग रेट मींस नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड कितने आ रहे हैं यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और आर हमारा क्या है, पंपिंग रेट मींस नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड कितने जा रहे हैं इस स्टेट से इस स्टेट में, क्योंकि ये वाली ट्रांजिशंस तो हमें विजिबली नहीं होगी, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी हो रही है, ठीक है, ट्रांजिशन अगर हो रही है तो रेडिएशंस अमिट नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि स्टेट का लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि ये वाली ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा रैपिड है, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब हमें N2 की वैल्यू चाहिए, तो N2 की वैल्यू के लिए इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, tau 2-1 R हो जाएगा। अब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ dy/dx प्लस px/py = q, तो जब कंपेयर किया तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/tau 2-1, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, R। अब इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, e^p d, यहाँ पे साथ में क्या आएगा, dt, p की वैल्यू पुट करेंगे tau। अब tau क्या है, एक लाइफ टाइम गिवन है, वो t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन करेंगे t आ जाएगा। तो यहाँ से अब सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, N2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर
क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा प्लस सी। अब यहाँ से एन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, ये है टी बाय टाउ टू वन। क्यू क्या है हमारा, आर इंटू ई रेस टू पावर टी बाय टाउ टू वन प्लस सी। अब इस फैक्टर की आर तो कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर टी वन बाय टाउ टू वन प्लस सी आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं टाउ टू वन। अब हमें फाइंड करनी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि अगर मैं टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे देखूं, ठीक है, अभी तक मैंने कोई रेडिएशंस फॉल नहीं करवाई हैं, तो जब मैं टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे देख रही हूँ तो एटम्स क्या है, सारे ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हैं। अगर ये एटम सारे ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे भी कोई एटम नहीं है और यहाँ पे भी कोई एटम नहीं है, तो एन टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब अप्लाई करेंगे ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला फैक्टर वन हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ टाउ टू वन आर। तो यहाँ से मेरे पास जब हम यहाँ पे पुट करेंगे सी की वैल्यू, एन टू ई रेस टू पावर टी बाय टाउ टू वन इज इक्वल टू टाउ टू वन आर ई रेस टू पावर टी बाय टाउ टू वन, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टाउ टू वन आर। अब जो ऑप्शंस थे उसमें एन टू की वैल्यू पूछी थी, तो हम इसको राइट साइड पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टाउ टू वन, ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे जब वन हो जाएगा माइनस टाउ टू वन आर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ टी टाउ टू वन। टाउ टू वन आर को कॉमन लिया तो वन माइनस ई रेस टू पावर, यहाँ पे इन्होंने टाउ टू वन नहीं टाउ लिया है सिर्फ, तो ये सिर्फ अगर टाउ ले लें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम रेट इक्वेशंस निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको पता होने चाहिए कि रेट इक्वेशन हमने निकाली कैसे हैं। अब इसका बी पार्ट था, बी पार्ट में हमने फाइंड करना है मिनिमम पंपिंग पावर। बी पार्ट में हमने फाइंड करना है मिनिमम पंपिंग पावर। तो पावर किसके इक्वल होती है, एनर्जी बाय टाइम, और एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू बाय टी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है मिनिमम पंपिंग पावर, तो मिनिमम पंपिंग पावर के लिए कितने एटम यहाँ से यहाँ जाने चाहिए, ठीक है। हमें पावर का मतलब है कि हम कितनी यहाँ पे एनर्जी फॉल करवाएं कि हमारी पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाए या फिर लेज़र प्रोड्यूस हो जाए, तो उसके लिए मिनिमम कितने एटम यहाँ से यहाँ जाने चाहिए, उसका हाफ, ठीक है। तो पी टोटल एटम हमें क्वेश्चन में गिवन है इतने, तो इसके हाफ तो एटम जाने ही चाहिए, मिनिमम इतने एटम तो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने ही चाहिए लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बाय टू, और यहाँ पे भी हो जाएगा एन बाय टू। अब हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, अब हमें क्या गिवन है, वेवलेंथ। तो सी को हम लिख सकते हैं न्यू लैम्डा, तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई लैम्डा। तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, एच सी लैम्डा टी और साथ में एन बाई टू, ये क्या है, हमारी मिनिमम पंपिंग पावर है। अब यहाँ पे टी कौन सा टाइम है, इस लेवल का टाइम, ठीक है। भी यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कितने में हो रही है, ये तो था कि हम जब
रेडिएशन फॉल करवाएंगे, यहाँ से यहाँ एटम जाएंगे, ठीक है, फिर वो कितने टाइम में यहाँ से यहाँ जंप कर जाएंगे, ठीक है, या फिर किसी भी लेवल, किसी भी लोअर लेवल पे जंप करेंगे, उसके लिए यहाँ पे टाइम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टाओ, और टाओ की वैल्यू हमें गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, और फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ आ गया, और वेवलेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 0.4 माइक्रोमीटर। तो इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद एच की वैल्यू 6.626 × 10⁻³⁴, सी की वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू 0.4 माइक्रोमीटर है तो ये 10⁻⁶ आ जाएगा, इंटू टाइम क्या है, मिली सेकेंड है तो 10⁻³⁰ सेकेंड हो जाएगा, और साथ में एन की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 × 10⁻¹⁹, ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको हम मीटर क्यूब में कर सकते हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 100 से 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास मिनिमम पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 0.76 किलो वॉट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब ये कैलकुलेशन करोगे तो आंसर वॉट में आएगा, फिर इसको 10⁻³ आ रहा होगा फैक्टर, तो उसको हमने किलो वॉट लिख दिया क्योंकि ऑप्शंस किलो वॉट में थे, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो हम ऐसे फाइंड करते हैं किसी की भी मिनिमम पावर या फिर रेट इक्वेशन। क्वेश्चन रीड कर लो, हमारा सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट 2 and 1। अगर हमने इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन फाइंड करनी है, अगर पॉपुलेशन के लिए पहले हमें इसकी क्या पता होनी चाहिए, रेट इक्वेशंस, ठीक है। तो रेट इक्वेशंस के लिए पहले हम इस लेवल के लिए रेट इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर इस लेवल के लिए। तो लेवल टू के लिए रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी N2/dt किसके इक्वल हो जाएगा। अब ये रेट यहाँ पे जो एटम्स हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ से कितने एटम स्टेट पे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, R हमारा पंपिंग रेट, माइनस इतने एटम्स तो आ रहे थे, अब यहाँ से कितने जा रहे हैं नीचे, N2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाओ 21। ये हम लास्ट इक्वेशन में भी कर चुके हैं और वीडियो में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब लेवल वन के लिए अगर हम देखें, लेवल वन के लिए क्या हो जाएगा, DN1/dt। अब अगर इस स्टेट के लिए देखने हैं तो यहाँ से कितने एटम आ रहे हैं, N2/tau, लाइफ टाइम क्या है, 2, 1, माइनस यहाँ से यहाँ कितने एटम जा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, N1/tau1, यही हो जाएगी रेट इक्वेशन। अब हमें फाइंड करनी है इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन। इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन का मतलब है जब भी हम इक्विलिब्रियम पे देखते हैं तो ये रेट ऑफ चेंज है ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ये चेंज नहीं होंगे, एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी, और फिक्स्ड वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, वो हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ चेंज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से R-N2/tau21 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R-tau1, और यहाँ से इक्वल टू ज़ीरो रखा तो N2/tau21 इक्वल टू N1/tau1, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
टाउ टू वन एन वन बाय टाउ वन, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, टाउ टू वन का स्क्वायर हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय टाउ वन। तो ये एन वन यहाँ से एन टू की वैल्यू निकली है, यहाँ से एन वन की वैल्यू निकालनी है, तो एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ वन एन टू बाई टाउ टू वन। एन टू की वैल्यू पुट करेंगे टाउ वन आर टाउ टी वन बाई टाउ टी वन, तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टाउ वन इंटू आर ये बन जाएगा हमारे पास, तो एन वन की वैल्यू निकल गई, एन टू की वैल्यू निकल गई, ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन। अब हमें क्वेश्चन में आर की वैल्यू भी गिवन है, टाउ वन की वैल्यू भी गिवन है, और टाउ वन की टू वन की भी वैल्यू गिवन है, और टाउ वन की भी वैल्यू गिवन है। तो अब वैल्यूज पुट करनी है और एन वन एन टू की वैल्यूज निकालनी है, और जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें गिवन है एक हीलियम नियॉन लेज़र कैविटी कंसिस्टिंग ऑफ टू मिरर्स हैविंग रिफ्लेक्टिविटी गिवन है आर वन आर टू। द मिरर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड द मीडियम इन बिटवीन हैज़ अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें एन नॉट की वैल्यू 1 एंड द अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट गिवन है अल्फा की वैल्यू 0 गिवन है। द वैल्यूज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मोड्स डेल्टा न्यू एंड द विड्थ ऑफ ईच मोड ऑफ द लेज़र कैविटी हमें फाइंड करना है। अब हमने ऑप्टिकल रेजोनेटर किया था कि मिरर्स होते हैं, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिव होता है और एक पार्शली रिफ्लेक्टिव होता है। यहाँ पे क्या था, एक्टिव मीडियम प्रेजेंट था जिसकी कोई रिफ्लेक्टिविटी होगी, और ये डिस्टेंस क्या था हमारा डी। अब हमने किया था कि जो कैविटी में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं, इंडिपेंडेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं, वो इंडिपेंडेंट फ्रिक्वेंसीज को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा एम्थ मोड हो जाएगा, ये एम प्लस वंथ मोड हो जाएगा। इसको पूरे को हम, इस पूरी इंडिपेंडेंट फ्रिक्वेंसीज को हम क्या बोलेंगे, मोड। अब इसकी जो विड्थ होगी, ठीक है, एक तो हमें वो फाइंड करनी है, ठीक है, विड्थ फाइंड करनी है, और सेकंड हमने फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मोड्स के बीच में हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो एम्थ मोड की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एम सी बाई टू डी एन। तो टू कंजिक्यूटिव मोड्स के बीच में अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, वी एम प्लस वन माइनस न्यू एम। तो इसको एम प्लस वन किया टू डी एन माइनस एम सी बाई टू डी एन, तो यहाँ से एम वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, सी बाई टू डी एन, ये बच जाएगा। तो ये है क्या है, सेपरेशन बिटवीन मोड्स। अब हमें गिवन क्या है, C की वैल्यू हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से 2 × D की वैल्यू हमें गिवन है, सेपरेशन बिटवीन टू मिरर्स कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 10 से, तो ये मीटर बन जाएगा, इंटू n, n क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 1। तो इसे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मोड्स। अब हमें फाइंड करनी है विड्थ ऑफ ईच मोड, तो विड्थ फाइंड करने के लिए, ये विड्थ फाइंड करनी है, तो जो विड्थ होती है वो किसके इक्वल होती है, विड्थ किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 pi टाओ, और टाओ क्या था हमारा, कैविटी, लाइफ टाइम ऑफ कैविटी। जो टाओ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एम एम्थ मोड के लिए,
यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, log r1 r2 e रेस टू पावर माइनस टू अल्फा d। अब इसमें ये वैल्यू पुट हो जाएगी mth मोड के लिए, m को क्या कर लेना है, 1 पुट कर लेना है। अगर फर्स्ट मोड के लिए हम देख रहे हैं, ln r1 r2 की वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा c, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, c by यहाँ पे 2dn, 2dn हो जाएगा ln r1 r2 e raise to power minus 2 alpha d। अब वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, तो हो जाएगा 2 into d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2, 20 by 10 into n की वैल्यू 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय c की वैल्यू 3 into 10 raise to power 8 ln r1, रिफ्लेक्टिविटी गिवन है, एक की वैल्यू 1 है और एक की 0.98 है, 1 into 0.98 e raise to power क्या हो जाएगा, 2 into अल्फ़ा क्या है हमारा, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर वैल्यू 0 है तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। तो टॉ की वैल्यू निकालनी है, फिर 1 बाई 2 पाई टॉ करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे जो अगर आप 4 के 4 ऑप्शन देखो, अगर देखें जो डेल्टा न्यू था टू सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मोड्स में, वो वैल्यूज़ थी, उस वैल्यू से ही हमें पता चल जाता कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, ये वाली वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि चारों वैल्यूज़ क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन अ हाइड्रोजन एटम आर गिवन बाय, हमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी गिवन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर। इफ अ सिलेक्टिव एक्साइटेशन टू द एन इज इक्वल टू 100 लेवल इज टू बी मेड यूजिंग अ लेज़र। अब हमें एन इज इक्वल टू 100 तक ट्रांजिशन करनी है बाय यूजिंग अ लेज़र। द मैक्सिमम अलाउड फ्रिक्वेंसी लाइन विड्थ ऑफ द लेज़र फाइंड करनी है, ठीक है। लाइन विड्थ का मतलब है हमें डेल्टा न्यू फाइंड करना है, डेल्टा न्यू फाइंड करना है। अब हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। अगर हमने विड्थ फाइंड करनी है तो यहाँ पे भी डेल्टा न्यू होना चाहिए, अगर यहाँ पे विड्थ हमें लाइन विड्थ फाइंड करनी है तो यहाँ पे भी हमें एनर्जी की विड्थ फाइंड करनी होगी, यहाँ पे भी डेल्टा फाइंड करना होगा। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए चेंज इन एनर्जी, इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई एन माइनस टू हो जाएगा और यहाँ पे एन क्यूब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं एच डेल्टा न्यू, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 100 गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जाउल में कन्वर्ट करें तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जाउल हो जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा न्यू की वैल्यू निकालनी है, 13.6 इंटू 2 इंटू 10 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 बाय 100 और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जाउल में होगी ये भी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गैस लेजर कैविटी हैज बीन डिजाइन टू ऑपरेट एट, ठीक है, इतनी वेवलेंथ गिवन है विद द कैविटी लेंथ ऑफ 1 meter। अब हमें वेवलेंथ गिवन है 0.5 माइक्रोमीटर और लेंथ गिवन है कैविटी की 1 meter। विद दिस सेटअप ऑफ द फ्रिक्वेंसी टू बी लार्जर देन द डिजायर फ्रिक्वेंसी बाय 100 हर्ट्स, ठीक है।
अब क्या है, उन्होंने गिवन है विद दिस सेटअप द फ्रिक्वेंसी टू बी लार्जर देन द डिज़ायर फ्रिक्वेंसी, जो पहले फ्रिक्वेंसी थी इस सेटअप के साथ वो 100% क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो हमारे पास डेल्टा न्यू क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि ये क्या है, दो का डिफरेंस ही है, पहले वाली और फिर बाद में वाली, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 100 से लार्जर है। तो डेल्टा न्यू क्या हो जाएगी, 100 हर्ट्ज़। द चेंज इन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कैविटी रिक्वायर्ड टू रीट्यून द लेज़र। अब हमें इफेक्टिव लेंथ फाइंड करनी है, तो इफेक्टिव लेंथ के लिए हमें डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैविटी है, ठीक है, लेज़र कैविटी है, तो लेज़र कैविटी के लिए एम्थ मोड के लिए अगर मैं देखूं फ्रिक्वेंसी 2D, यहाँ पे एन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हमें गिवन है डेल्टा न्यू, तो हम इसका डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका होगा, एल का, क्योंकि चेंज क्या हो रही है, लेंथ, ठीक है, पहले लेंथ कोई और थी, 1 मीटर थी, अब लेंथ चेंज हो गई है, तो हमें चेंज इन इफेक्टिव लेंथ फाइंड करनी है, तो हमें डेल्टा एल फाइंड करनी है। तो उसके लिए एम भी नहीं चेंज हो रहा, सी तो चेंज होगी नहीं, एन भी नहीं चेंज हो रहा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज क्या हो रहा है, एल। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस डेल्टा एल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एम की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ, तो एम की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 2NL/C, एम की वैल्यू निकल गई, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें एम की वैल्यू नहीं गिवन कि किस मोड के लिए फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम सी साथ में माइनस है, डेल्टा लैम्डा 2NL2। अब यहाँ से 2N से 2N कैंसिल हो गया, 1L से 1L कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, यहाँ पे आना है M की, तो हमने वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स बच जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, डेल्टा माइनस, एक तो ये वाला फैक्टर आ रहा है और एक डेल्टा L आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ L। तो हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, माइनस L डेल्टा, ये हो जाएगा यही आ जाएगा हमारे पास। अब हमें L की वैल्यू गिवन है 1 मीटर और चेंज इन फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, बट हमें ये वाली वैल्यू नहीं गिवन, फ्रिक्वेंसी ऑफ एम्थ मोड, बट हमें क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी क्या होता है, न्यू लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा होगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा। तो अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, एल की वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, फिर लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है और सी की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास इफेक्टिव चेंज इन लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ से साथ में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, फॉर अ 2-लेवल सिस्टम द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन द अपर एंड लोअर स्टेट। अब क्या है, टू लेवल्स हैं, तो अपर लेवल के लिए हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, N2 है, ये N1 है, और गिवन है 3×10^18, और यहाँ पे कितनी गिवन है, 3×10^5। अब एंड दी एनर्जी डेंसिटी गिवन है, एनर्जी डेंसिटी यू न्यू 9.0 जाउल पर मीटर क्यूब हर्ट्स। द रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड अमीशन विल बी सॉरी
द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अमीशन विल बी, अब हमें फाइंड करना है रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अमीशन। अब जो रेट होता है स्टिमुलेटेड अमीशन का वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड कर रहा था एक तो एनर्जी डेंसिटी पे, एक डिपेंड कर रहा था हमारे पास जो ऊपर वाली स्टेट है एक्साइटेड स्टेट, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो जब ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास बी टू वन यू न्यू एन टू। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एन टू की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और हमें क्या गिवन है, ये भी गिवन है, बट हमें बी टू वन की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें एक इक्वेशन पता है, वो इक्वेशन क्या है, 821 बाय क्या होगा B21। यहाँ पे हमें B21 की भी वैल्यू गिवन है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड अमीशन हमें गिवन है। तो यहाँ पे B21 की वैल्यू भी हमें गिवन है, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू भी गिवन है, और N2 की वैल्यू भी गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, 3×10^10 5 हो जाएगा, इनटू एनर्जी डेंसिटी हमें गिवन है, यहाँ पे हम वेबर को क्या लिख सकते हैं, जाउल पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स चेंज हो जाएंगी, 10^8। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस सारे इसके गलत थे। नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड अमीशन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन इज, कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड अमीशन मींस B21 गिवन है 2.1×10^19 मीटर स्क्वायर वेबर पर सेकेंड, ये हो जाएगा, एंड द अमिटेड फोटोन इज एट अ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ है, 3000 एंगस्ट्रॉम। देन द लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली, अब हमें लाइफ टाइम पता करना है, ये हमारा फर्स्ट लेवल है और ये सेकेंड लेवल, ये है लाइफ टाइम पता करना है। अगर लाइफ टाइम पता करना है तो हमें पता है कि ए जो 2-1 होगा स्पॉन्टेनियस अमीशन, कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस अमीशन वो क्या हो जाएगा, 1/tau ही हो जाएगा, ठीक है। ये जो ये लाइफ टाइम होगा बिटवीन टू स्टेट्स, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस अमीशन। तो अब हमें A21 की वैल्यू तो गिवन नहीं है, बट गिवन है B21, बट हमें रिलेशन पता है कि जो A21 बाय B21 ये किसके इक्वल होता है, 8πh³³/c³, ठीक है। अब वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा c³/λ³, c³ से c³ कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास A21/B21 ये हो जाएगा। अब A21 की वैल्यू निकालनी है हमें, इसको हम टाउ को क्या लिख सकते हैं, 1/A21, और यहाँ से A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B21। तो ये हो जाएगा मेरे पास B21/λ³/8πh। अब B21 की वैल्यू गिवन है और लैम्डा की वैल्यू गिवन है, 8πhh की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, एक बार रीड कर लो पहले स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, टू लेवल सिस्टम है, ठीक है। अगर टू लेवल सिस्टम है, इसमें हमें नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है पी नॉट, और इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड पी वन। अब अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगी तो उसके लिए हमें कॉफिशेंट गिवन है डब्ल्यू ज़ीरो टू वन। अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगी तो डब्ल्यू कॉफिशेंट गिवन है हमें वन टू ज़ीरो। अब एक और गिवन है एन, एन क्या गिवन है, एवरेज नंबर ऑफ फोटोन जो फॉल कर रहे हैं यहाँ पे। अब तक हमने एनर्जी डेंसिटी ली थी, ये भी क्या है, डेंसिटी ही है, कि क्योंकि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम कितने फॉल कर रहे हैं, एन, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम पे जो हमारी इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, आइंस्टाइन इक्वेशन। तो उसके लिए पहले हम फाइंड करेंगे हमारा स्टिमुलेटेड अब्सॉर्प्शन, क्योंकि आइंस्टाइन इक्वेशन के लिए हमारे पास तीन प्रोसेस होते हैं, स्टिमुलेटेड अब्सॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड अमीशन और स्पॉन्टेनियस अमीशन। अब स्टिमुलेटेड अमीशन में हम क्या करते हैं, लाइट फॉल करवाते हैं, लाइट फॉल करवाएंगे तो एटम्स एनर्जी अब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो यहाँ पे जो रेट होगा स्टिमुलेटेड अमीशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कितने एटम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कितने एटम जाएंगे पी नॉट, साथ में क्या आ जाएगा, कितनी एनर्जी हम फॉल करवा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी के विदाउट तो ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। तो कितनी एनर्जी फॉल करवा रहे हैं, एन, एन क्या है, नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, एन हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, हमें गिवन है 0 to 1 पी नॉट एन। ये था हमारे पास स्टिम अब्सॉर्प्शन के लिए। अब हम करते हैं सेकेंड स्पॉन्टेनियस अमीशन। तो स्पॉन्टेनियस अमीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों भी यहाँ पहुँच गया है एटम्स, तो एटम जब विदाउट एनी, ठीक है, हम कोई एक्सटर्नल सोर्स के विदाउट वो अपने आप यहाँ से अगर यहाँ आ जाएंगे तो रेडिएशन एमिट करेंगे। तो जो रेट होगा स्पॉन्टेनियस अमीशन का वो रेट डिपेंड करेगा किस पे, कितने एटम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। जितने ज़्यादा एटम जाएंगे उतनी रेडिएशन ज़्यादा होंगी, उतना ही रेट ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करेगा पी वन पे, यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है पी वन पे। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, वो हमें गिवन है डब्ल्यू वन ज़ीरो पी वन। ये था हमारे पास अमीशन के लिए। थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टिमुलेटेड अमीशन। तो स्टिमुलेटेड अमीशन में क्या होगा, जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि स्टिमुलेटेड अमीशन में हम यहाँ पे भी रेडिएशंस फॉल करवाएंगे, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड अमीशन डिपेंड करेगा इस लेवल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और एनर्जी कितनी फॉल करवा रहे हैं, जो एनर्जी फॉल करवा रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है n। तो ये डिपेंड करेगा n और कितने एटम्स हैं p1। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, w1 to 0 n p1। ये क्या है, दोनों अमीशन के लिए है और ये क्या है अब्सॉर्प्शन। तो हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितनी अब्सॉर्प्शन हो रही है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कितनी अमीशन हो रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, अब्सॉर्प्शन इक्वल टू अमीशन। इक्वल टू अमीशन, अब्सॉर्प्शन का रेट किसके इक्वल है, डब्ल्यू ज़ीरो वन पी नॉट एन इक्वल हो जाएगा अमीशन। अमीशन में अब हमारे पास दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो ये है पी वन डब्ल्यू वन टू ज़ीरो प्लस एक ये हो रहा है डब्ल्यू वन टू ज़ीरो एन पी वन, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन डी क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको स्टेटमेंट को समझना है, जो भी हमने लेज़र की है, ठीक है, उसको ध्यान से करना है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशंस में क्या होगा कि इसमें अगर मैं बात करूं, एक तो हमारे पास होती है मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन और एक होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। और इसमें किस ऑर्डर की ट्रांजिशन हो सकती है, या तो फिर वो मोनोपोल हो सकता है, डाइपोल हो सकता है, क्वार्टरपोल हो सकता है, या फिर ऑक्टापोल हो सकता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रांजिशन हो रही है, ये डिपेंड करता है हमारे पास 2L ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशन किसके इक्वल है, 2^L। अब अगर L की वैल्यू 0 है तो 2^0 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब मोनोपोल ट्रांजिशन होंगी। अब हमें एक पता है कि जो पैरिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, -1^L। अगर L की वैल्यू इवन है तो मेरे पास इवन पैरिटी होगी, अगर L की वैल्यू ऑड है तो मेरे पास ऑड पैरिटी होगी। अब L की वैल्यू 0 है तो मेरे पास क्या आएगी, इवन पैरिटी। यहाँ से अगर मैं L की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो 2^1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगी डाइपोल ट्रांजिशन। इसके लिए पैरिटी क्या हो जाएगी, पैरिटी हो जाएगी -1^1। -1 मीन्स ऑड पैरिटी। नेक्स्ट अगर मैं L की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 2^2 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगी, क्वार्टरपोल ट्रांजिशंस। और इसमें पैरिटी क्या हो जाएगी, इवन, क्योंकि L की वैल्यू अगर ऑड है तो ऑड पैरिटी होगी, L की वैल्यू इवन है तो हमारे पास इवन पैरिटी आएगी। अब हमें फाइंड करना, हमें करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। तो डाइपोल के लिए हमारे पास जो पैरिटी है वो क्या रह रही है, ऑड, या फिर नेगेटिव पैरिटी है, ठीक है। अगर नेगेटिव पैरिटी है तो L की वैल्यू मेरे पास या तो +1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है, ये क्या है, स्मॉल L है, ठीक है। अब ये याद रखना है कि डाइपोल के लिए हमारे पास L की वैल्यू 1 होनी चाहिए और हमारे पास क्या होनी चाहिए, नेगेटिव पैरिटी। अब यहाँ पे अगर मेरे पास 2 levels हैं या फिर 3 levels हैं, यहाँ पे ट्रांजिशंस होंगी, तो कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है और कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसके लिए सिलेक्शन रूल है कि जो डेल्टा L की वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या फिर +-1, और S की वैल्यू 0 रहनी चाहिए, स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए जब भी ट्रांजिशन हो, ठीक है, 2 levels में। और डेल्टा J की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या +-1। अब ये था हमारे पास टोटल है, टोटल L है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और टोटल एंगुलर मोमेंटम है। बट अगर मैं बात करूँ सिर्फ 1 electron की, तो 1 electron में मेरे पास स्मॉल L आ जाएगा, तो उसमें जो चेंज होगा वो क्या आएगा, +-1, ठीक है। स्मॉल L क्या है, जब मैं एक की बात कर रही हूँ तो उसमें कितना चेंज आना चाहिए, डेल्टा L की वैल्यू। ये सिलेक्शन रूल है कि 2 level में ट्रांजिशन कौन सी पॉसिबल है। तो यहाँ पे स्मॉल L किसके इक्वल होना चाहिए, +-1। जब हम 2 electron की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर टोटल L आ जाएगा, ठीक है। अगर एक की बात कर रही हूँ तो ये आएगा।
तो ये सिलेक्शन रूल याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अकॉर्डेंस विद द सिलेक्शन रूल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, ट्रांजिशन गिवन है 4 3p1 स्टेट ऑफ हीलियम एटम कैन डिके बाय फोटोन ओमिशन टू द स्टेट, कि ये वाली स्टेट फोटोन ओमिशन करके किस स्टेट पे आएगी। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। अब हमें गिवन है इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा एल की वैल्यू 0 और प्लस माइनस 1 और डेल्टा एस की वैल्यू 0 और डेल्टा जे की वैल्यू 0 और प्लस माइनस 1। अब हमें पता है पहले चेक करना होता है कि जो एस की वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब स्टेट कौन सी है, 3p1 मींस यहाँ पे अगर मैं एस की वैल्यू देखूँ, ठीक है, हमारे पास टर्म सिंबल क्या होता है 2s + 1lj, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ 3 फर्स्ट ऑप्शन में ये चेंज हो गया, l की s की वैल्यू चेंज हो गई, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे भी s की वैल्यू चेंज हो गई तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है सब में, तो या तो ऑप्शन सी आ सकता है या फिर ऑप्शन डी आ सकता है। ठीक है, अब करते हैं डेल्टा एल की वैल्यू। अगर एल की वैल्यू देखें, मेरे पास स्टेट कौन सी है 3p1, तो 3p1 है, तो अगर मैं ट्रांजिशन करूं 3p2 तक, तो एल की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, एल की वैल्यू 0 रह रही है। बट अगर मैं देखूं यहाँ पे देखूं एस की वैल्यू, ठीक है, सॉरी, अगर 3p1 2 3d 3 तक जा रही हूँ, ये तो पहला था। ठीक है, यहाँ पे अगर जा रही हूँ तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि d के लिए L की वैल्यू 2 होती है और p के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो चेंज क्या आएगा 1। अब नेक्स्ट, अगर p तक जा रही है, अगर फिर p तक जा रही है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ पे L की वैल्यू या तो 0 है या फिर 1 है, बट हमारे पास एक सिलेक्शन रूल और क्या था, डेल्टा स्मॉल L की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, प्लस माइनस 1। ठीक है, स्मॉल डेल्टा L की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे L की वैल्यू 0 आ गई, तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब सी ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी। तो अगर इसमें देखें हम, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इसी ऑप्शन में आपने एल नहीं चेक करना, ठीक है, अगर हम जे चेक करें, जे की वैल्यू 2 to 1 है, मीन्स जे की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे अगर देखूँ मैं जे की वैल्यू क्या आ गई 2, तो जे की वैल्यू 2 तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो या तो आप ये वाला चेक कर लो या फिर जे की वैल्यू चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब डी ऑप्शन, सी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर इसमें देखें P2 D है और P2 क्या है, D है, ये है 3 1 3 1 3 1, ये हमारे पास क्या है 3s1 3d2 3d1। अगर मैं देखूं L की वैल्यू क्या है, यहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पे भी L की वैल्यू 1, यहाँ पे भी L की वैल्यू 1, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगी। अगर मैं देखूं S की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, J की वैल्यू देखूं, दोनों को माइनस किया तो J की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये डेल्टा J की वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन D क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं कि सिलेक्शन रूल क्या है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ डी वन एंड डी टू लाइन ऑफ सोडियम एट हाई टेम्परेचर पे अब हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें पता है कि अगर मेरे पास टू लेवल्स हैं, ये क्या है, एन वन लेवल है और एक एन टू है, इसकी एनर्जी ई वन है, इसकी एनर्जी ई टू है. तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, एन वन बाई एन टू किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस ई वन बाई के बी टी, ई रेस टू पावर माइनस ई टू बाई के टी. और साथ में यहाँ पे आती है डीजनरेसी कितनी है लेवल की, तो ये हो जाएगी टू जे प्लस वन. अगर यहाँ पे एन वन है तो जे वन आएगा, टू जे टू प्लस वन. तो एन वन बाई एन टू क्या हो जाएगा, टू जे वन प्लस वन, टू जे टू प्लस वन. और इसको हम लिख सकते हैं ई टू माइनस ई वन बाई के बी टी. ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम देखें टी की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है. अगर मैं टी को इन्फानाइट अप्रोच करवा दूँ तो वन बाई इन्फानाइट ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो एन वन बाई एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू जे वन प्लस वन, टू जे टू प्लस वन. अब यहाँ पे हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी. तो हमने ये लास्ट वीडियो में भी किया था, ठीक है, कि जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम पे. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटेंसिटी के. तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, टू जे वन प्लस वन, टू जे टू प्लस वन. ठीक है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो हम इसको इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इंटेंसिटी हमारे पास ये आ गई. अब यहाँ पे हमें इंटेंसिटी पता करनी है D1 और D2 लाइन की. और D1 एंड D2 लाइन क्या है, ये हम जीमन इफेक्ट में कर चुके हैं, जब हमने अनोमलस जीमन इफेक्ट किया था. ठीक है, तो उसमें D1 एंड D2 लाइंस की थी. तो इंटेंसिटी क्या है हमारी, 2J प्लस 1 बाई 2J प्लस 2. तो ये हमारी इंटेंसिटी आ जाएगी. ठीक है, इंटेंसिटी रेशियो फॉर इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एन टू बाय एन वन, ये भी इंटेंसिटी हो गई हमारी. यहाँ पे एन वन है, एन टू ये क्या है, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी. तो एन वन के लिए इंटेंसिटी ये हो जाएगी और एन टू के लिए इंटेंसिटी ये. तो रेशियो को आई लिख लिया. अब हमें D1 लाइन एंड D2 लाइन फाइंड करनी है. जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z इज इक्वल टू 11. तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, ये क्या हो गए 10, यहाँ पे आ जाएगा 3s1. अब ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है. अगर मैंने सोडियम के एटम में ट्रांजिशन करनी है तो मुझे इससे एक एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा. तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए 2s2, 2p6, 3s, अब आएगा 3p, s के बाद ऑर्बिटल आएगा p. अब हमें इलेक्ट्रॉन जंप करवाना है, एक यहाँ से भी करा सकते हैं, यहाँ से भी, बट यहाँ से नहीं करवा सकते क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. ये ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, बट ये वाला क्या है, हाफ फिल्ड है. इससे एनर्जी निकालनी, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देंगे हम पी में, तो ये क्या बन जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बन गई तो ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगी. 3s हो गया, 3p, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब हमें फाइंड करने होंगे इसके टर्म सिंबल. टर्म सिंबल के लिए S की वैल्यू S है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो. A की इलेक्ट्रॉन है तो S की वैल्यू हाफ, तो यहाँ से J की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ. अब
पी है तो एल की वैल्यू 1 हो गई, एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ हो जाएगी, तो यहाँ से मेरे पास जे की वैल्यू जा तो हाफ हो जाएगी जा 3/2। ये सिर्फ एक ही लेवल में ब्रेक होगा, किसकी वजह से, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से। तो इसका टर्म सिंबल क्या बन जाएगा, एस की वैल्यू हाफ है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एल की वैल्यू 0 है तो एस होगा, जे की वैल्यू हाफ है। ये क्या है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से 2 लेवल्स में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p। अब तो किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन रूल्स हैं। तो इसमें क्या होगा, जितनी जे की वैल्यू अगर तो हाफ फील्ड से कम है, अगर मैं पी ऑर्बिट की बात करूँ, ये क्या है, हाफ फील्ड से कम है, तो हाफ फील्ड से कम में क्या होगा, जितनी जे की वैल्यू कम होगी उतनी ही एनर्जी कम होगी, या फिर जितनी जे की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2p 3/2 2p 1/2 आ जाएगा। अब या तो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ से यहाँ हो सकती है, तो इसके लिए D1 है, ये क्या है, D2 है। तो D1 लाइन कौन सी है, 2s हाफ टू 2p हाफ तक जाना है। D2 लाइन कौन सी है, 2p s/2 से 2p 3/2 तक जाना है। अब हमें J1 और J2 की वैल्यूज चाहिए, तो J1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/2, और J2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। तो D1 क्या है हमारे पास, 2s हाफ टू 2p हाफ तक, ठीक है, और D2 क्या है, 2s हाफ टू 2p 3/2, हम ये वाली लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ J1 और J2 की वैल्यूज पुट करनी है, J वाली वैल्यूज जिस पे जा रही है, ठीक है, ट्रांजिशन जहाँ तक हो रही है हायर लेवल की, हम जे की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2, J1 की वैल्यू क्या है, हाफ, और J2 की वैल्यू क्या है, 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 4, ये क्या आ जाएगी, 1/2, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन। यहाँ पे जब भी हमें गिवन हो कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में, ठीक है, ट्रांजिशन हो रही है, तो माइक्रोवेव रीजन में कौन सा स्पेक्ट्रा होता है हमारे पास, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अगर इंफ्रारेड रीजन में हो तो हमारे पास कौन सा होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये वाले रीजन याद होने चाहिए, ठीक है, ये मैंने बताए भी थे रोटेशनल स्पेक्ट्रा वाली वीडियो में, ठीक है। तो माइक्रोवेव अगर स्पेक्ट्रम है, ठीक है, माइक्रोवेव रेड स्पेक्ट्रम है, तो हमारे पास कौन सा हो रहा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनेगा। अब यहाँ पे गिवन है सेपरेशन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। इससे पहले हमने किया था कि जो एनर्जी होती है रोटेशनल लेवल्स के लिए वो क्या होती है, h²/2i j j+1। अगर मैं इसको वेव नंबर की फॉर्म में लिखूं तो वेव नंबर क्या होता है, e/hc हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, e को हम लिख सकते हैं hc/λ। तो e/hc क्या हो जाएगा, 1/λ, इसको हम लिख सकते हैं वेव नंबर। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, वेव नंबर h²/2i और साथ में hc आ जाएगा, j j+1। और इस फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, b j j+1। तो हमारे पास जो वेव नंबर आया है वो क्या आया है, b j j+1। अब यहाँ से अगर हम देखें, अगर मैं 2 कंसेक्यूटिव लेवल्स की बात करूं, एक का वेव नंबर j है और एक का क्या हो, j+1।
वन, तो वेव नंबर में डिफरेंस क्या आ जाएगा, आ जाएगा बी, यहाँ पे जे प्लस वन, जे प्लस टू हो जाएगा माइनस बी जे प्लस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं जे स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई किया तो जे स्क्वायर ये हो जाएगा टू जे प्लस टू माइनस बी, इसको कर लिख सकते हैं जे स्क्वायर प्लस जे। तो यहाँ से बी कॉमन लेते हैं, ये क्या हो जाएगा जे स्क्वायर प्लस थ्री जे हो जाएगा प्लस टू माइनस जे स्क्वायर माइनस जे हो जाएगा, जे से जे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा बी थ्री जे माइनस जे टू जे प्लस टू। तो यहाँ से अगर मैं टू कॉमन निकाल लूँ टू बी जे प्लस वन, तो वेव नंबर में डिफरेंस क्या आया है, टू बी जे प्लस वन। यहाँ से अगर मैं जे की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दूँ, ठीक है, जे की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी तो मेरे पास टू बी आ जाएगा। अगर मैं जे की वैल्यू वन पुट कर दूँ तो फोर बी आ जाएगा। अगर थ्री पुट कर दूँ, ठीक है, तो सिक्स बी आ जाएगा। तो ऐसे अगर हम देखें ये क्या आ रहे हैं, इक्वली स्पेस आ रहे हैं, डिफरेंस टू बी डिफरेंस टू बी। तो ऐसे ही ये क्या आ रहे हैं हमारे पास, इक्वली स्पेस आएंगे, ये टू बी फोर बी सिक्स बी एट बी टेन बी ट्वेल्व बी। तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में अगर मैं टू कंसेक्यूटिव लेवल्स की बात करूं तो ये क्या आएंगे, इक्वली स्पेस आएंगे। और टू लेवल्स में डिफरेंस कितना आ रहा है, टू बी, इसमें भी टू बी है, और ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो अगर आपको कभी भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा में गिवन हो सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, गिवन है, तो सेपरेशन बिटवीन टू लेवल्स क्या है, टू बी है। तो हमें किसकी वैल्यू गिवन है, टू बी की। तो यहाँ से हमारे पास वेव नंबर में जो डिफरेंस आया है वो आया है टू बी जे प्लस वन, और टू बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 20.68 पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब ट्रांजिशन हो रही है कहाँ से कहाँ, 14 टू 15, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 बी की वैल्यू हमें गिवन है 20.68 इनटू। अब जे प्लस वन, ठीक है, ये हमने पहले भी किया है कि अगर जा तो कंप्लीट, जा तो यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू पुट कर लो या फिर कंप्लीट को क्या लिख देना है, 15। तो ये क्या हो जाएगा, 14 प्लस वन 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 0 - 2 पर सेंटीमीटर। तो इतनी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, ट्रांजिशन इतने वेव नंबर पे अक्कर होगी, ठीक है। थैंक यू।